हाँ तो भाई कैसे हो आप सब। मैं हिमांशु एंड वेलकम है आप सबका एक न्यू गेम प्ले वीडियो में। तो अगर आप सबने लास्ट एपिसोड देखा होगा देन आप सबको पता होगा कि भाई माफिया और अंडरवाटर माफिया ने मिलकर किडनैप कर लिया था फ्रैंकलिन को। एंड मैं जब उसके पास गया तो भाई काफी तगड़ी सिक्योरिटी थी और उसने बोला कि भाई तुझे प्रेसिडेंट को मारना पड़ेगा तभी मैं फ्रैंकलिन को छोड़ूंगा। तो मैंने बोला ठीक है भाई मार लूंगा। एंड मैं पूरी प्लानिंग के साथ गया और अपने प्रेसिडेंट को मार भी दिया। अब भाई जब मैंने कॉल किया उस माफिया को तो भाई माफिया ने हमारे साथ चीटिंग कर ली। वो बोला कि पहले तुझे भाई मेंशन पर आना पड़ेगा, तो इसलिए भाई अभी हम जाने वाले मेंशन। बट भाई उससे पहले हमें इस जेट के सारे, जो कि आप सब जानते ही हम सब पुलिस से बच कर आए, इस जेट के सारे इसे वापस हमें रखना है भाई अपने एयरपोर्ट पे। आप सब जानते भाई हमने हैंगर भी खरीदा है अपने प्लेन के साथ, तो वहां जाकर हमें पार्क करना पड़ेगा। तो जल्दी से भाई हमें चलना पड़ेगा एयरपोर्ट। एंड अभी भाई अपना पुलिस से कुछ खतरा नहीं है क्योंकि अब 2-3 दिन हो चुके हैं। एंड पुलिस भूल भी गया होगा भाई कि माइकल नाम का भी कोई बंदा होता है। तो चलो भाई डायरेक्ट अपना टेक ऑफ करते हैं यहाँ से एंड जल्दी से भाई अपना एयरपोर्ट मार्क कर लेता हूँ। हाँ तो चलो भाई हमने एयरपोर्ट अपना मार्क कर लिया एंड जल्दी से भाई इसे टेक ऑफ कराते हैं। और हमने भाई अपना प्लेन को वापस उल्टा कर दिया ताकि हमें यहाँ से भाई उड़ने में आसानी हो। तो चलो 3, 2, 1 बहुत अच्छे भाई एंड आराम आराम से चलेंगे भाई। आपको ज़्यादा भागने की जल्दी नहीं है तो हमें ले जाकर भाई अपने हैंगर पर रख देना है अपना एयरप्लेन एंड थोड़ी ऊँचाई से ही चलेंगे क्योंकि भाई सामने आप देख सकते हो पहाड़ वगैरह है। एंड मैं नहीं चाहता कि भाई हमारा एयरप्लेन क्रैश हो। एंड भाई एयरपोर्ट तो भाई काफ़ी जल्द पहुंच जाएंगे क्योंकि भाई एयरप्लेन से जा रहे हैं और अगर एयरप्लेन नहीं होता तो भाई काफ़ी टाइम लगने वाला था क्योंकि यहाँ से भाई एयरपोर्ट काफ़ी ज़्यादा दूर है। बट आप सब देख सकते हो भाई एयरप्लेन क्या डिस्टेंस कवर करता है, मतलब भाई तुरंत ही हम यहाँ पर पहुँच गए। और अब बस हम पहुँचने वाले भाई अपने एयरपोर्ट और एयरपोर्ट भाई अब कुछ देर बाद हमें दिखना भी शुरू हो जाएगा अपना। एंड जल्दी से भाई अपनी एयरप्लेन को हम खड़ी कर देंगे अपने हैंगर में एंड वहाँ से चलेंगे भाई डायरेक्ट माफिया के पास। तो नीचे कर लेते हैं थोड़ी सी क्योंकि भाई अब बस हम पहुँचने वाले हैं। तो एयरप्लेन भाई सामने से एक और उड़ रही है तो उससे हमें टकराना तो नहीं है एंड संभल के जाना है बस और क्या। और देखो चलो एयरपोर्ट हमें दिखने भी लगा सामने, मैंने बोला था ना भाई कुछ देर होगा बस दिखने भी लगेगा। और तो चलो डाउन कर लेते थोड़ा हम एंड चलो भाई थोड़ा थोड़ा डाउन कर लेते हैं, बस बिल्डिंग में नहीं लड़ना चाहिए। और भाई एरोप्लेन उड़ाना तो ईजी है बट भाई इसे लैंड कराना सेफली वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। तो चलो अब धीरे धीरे करके डाउन लेते हैं हम क्योंकि भाई अब उतनी कुछ खास बिल्डिंग भी नहीं है सामने एंड अपना भाई एयरपोर्ट भी दिख रहा है। तो ज़्यादा भी डाउन नहीं लेना है वरना पता चला भाई हम पहले ही किसी के घर में लैंड करवा दिए जो कि हम नहीं करवाने वाले। चलो भाई यहाँ पर करवा देते हैं अपना एयरप्लेन भाई लैंड। तो सही जगह आ चुके हम तो चलो बहुत अच्छी बात है, मुझे लग रहा है सेफ लैंड हो जाएंगे हम। तो आराम आराम से माइकल आराम से वाह 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 बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अब अपना हैंगर भाई हमारा सामने एंड वहाँ चलकर भाई हमें खड़ी कर देनी है अपनी ये प्राइवेट जेट और कर देना है लॉक ताकि भाई कोई लेकर ना जाए। तो आराम आराम से चलेंगे भाई, अपना एयरप्लेन अभी काफ़ी ज़्यादा स्पीड में ही है एंड देख सकते हो भाई एयरप्लेन अपना मतलब सारी जगह चलता है, कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। एंड चलो अच्छी बात है कि भाई किसी ने गाड़ी नहीं रखा यहाँ पर, वरना हर बार भाई कोई ना कोई गाड़ी लगा देता है अपनी इस हैंगर के सामने। तो चलो भाई यहाँ पर खड़ी कर देते हैं अपनी इस जेट को। तो रुक जा भाई लड़ना मत। हाँ चलो भाई सही जगह रुका एंड थोड़ी पीछे कर लेते हैं। बस भाई बस 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 बहुत अच्छी बात है एंड चलो उतर जाते हैं यहाँ से। एंड भाई यहाँ से अभी तो हमें एयरपोर्ट के बाहर निकला, सबसे पहले भाई कर लेते हैं लॉक ताकि भाई हमें हमारा कोई प्लेन यहाँ से लेकर ना जाए और अगली बार हम कोई कांड करें तो भाई यहीं से अपना एयरप्लेन काम आए। तो चलो जल्दी से भाई एयरपोर्ट के हम बाहर निकलते हैं क्योंकि भाई एयरपोर्ट से बाहर निकलने में भी हमारी हालत ख़राब होने वाली है। तो चलो जल्दी से एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं। हाँ तो भाई काफ़ी दौड़ धूप के बाद अब बस हम निकलने वाले अपने एयरपोर्ट से बाहर। तो भाई खुल भी जा। हाँ चलो भाई अभी पुलिस वगैरह कुछ नहीं करने वाली हमें और गाड़ी साथ, ओ भाई गाड़ी साथ है तब भाई थोड़ा रिस्क रहता है। तो जल्दी से हमें भाई किसी की गाड़ी छीननी पड़ेगी क्योंकि हम अपनी गाड़ी लेकर नहीं आए तो कोई अच्छी से गाड़ी छीनते क्योंकि यहाँ से भाई हमें काफ़ी ज़्यादा दूर जाना है। तो भाई अच्छी से कोई स्पीड चलने वाली गाड़ी हमें मिल जाए तो काफ़ी अच्छी बात है, वरना भाई खटारा लेकर जाऊँगा तो भाई हो सकता है कुछ मुसीबत आ जाए। तो ये गाड़ी भाई, हाँ रुक जा भाई चल उतर जा भाई, ठीक है थोड़ा पुराना टाइप का चलाने में मज़ा आएगा। चलो भाई सॉरी कोई बात नहीं निकल जाते, सॉरी भी बोल दिया माइकल ने। तो चलो जल्दी से अपना माफिया का मेंशन भाई मार्क कर लेते हैं। हाँ तो चलो भाई माफिया का मेंशन कर लिया हमने मार्क एंड भाई इस गाड़ी से चलते हैं अपने माफिया के मेंशन पर। एंड भाई मुझे जैसा लग रहा था कि हम अगर रोड से गाड़ी उठाएंगे तो भाई स्लो भागने वाली है एंड वैसा ही हो रहा है। बट भाई मुझे लग रहा है 100 तक तो चली जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड ये सब गाड़ी का भाई कंट्रोलिंग भी थोड़ा उतनी कुछ खास नहीं होती है, बट हाँ पहुँच जाएंगे जल्दी भाई अपने माफिया के मेंशन पर। तो चलो भाई जल्दी से चलते अपने माफिया के मेंशन पर और देखते हैं भाई कि वो हमें अब क्या करने को बोलता है क्योंकि मुझे लग नहीं रहा कि भाई अभी वो फ्रैंकलिन को छोड़ने वाला है। तो चलकर देखेंगे भाई अब हमें माफिया क्या कुछ करने को बोलता है, अगर जो करने को बोलेगा भाई वो तो हमें करना ही पड़ेगा। एंड बस भाई अब माफिया का मेंशन दूर तो है भाई अच्छा खासा एंड इस गाड़ी से जाने में हमें और भी ज़्यादा देर लगने वाला है।
तो ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये गाड़ी भी सही है। एंड भाई सारी गाड़ी को चलाना चाहिए ना, मतलब ज़्यादा अमीर बनेंगे हम भाई तो गरीब होंगे तो फिर दुख होगा, इसलिए भाई दोनों गाड़ी को चलाओ आराम से। गरीब भी हो तो भाई ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, और ज़्यादा कुछ नहीं तो भाई अपना तो पैर खुद का है ही, दौड़ कर भी चल सकता है माइकल भाई कितनी भी दूर। और होप कि भाई अपना फ्रैंकलिन बिल्कुल सेफ होगा। एंड अब जो माफिया बोलेगा वो तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई आप सब जानते हो माफिया भाई कितनी तगड़ी सिक्योरिटी लगा कर रखा है उसके बाहर। अगर मैं कुछ भी कितनी भी गन वगैरह लेकर जाऊंगा तो भाई मैं बचने वाला हूँ नहीं, और मुझे उसका बात मानना ही पड़ता है इसलिए। और यहाँ से भाई अपना माफिया का मेंशन दूर तो है, बट हाँ भाई पहुँच जाए ज़्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं वैसे भी आपको कट कट कर कर दिखा रहा हूँगा, वैसे भी भाई पूरा दिखाया तो भाई मतलब ये वीडियो 1 घंटे की बच जाएगी लगभग, इसलिए चलो भाई जल्दी से चलते अपने माफिया के मेंशन पर। एंड भाई अपना हाईवे आ जाए तब लगने लगता है भाई कि माफिया का मेंशन नज़दीक है। और भाई जिस रोड की मैं बात कर रहा था हाईवे की, वो अब बस हम पहुँच ही गए। एंड यहाँ से भाई अपना माफिया का मेंशन तो काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है, क्योंकि भाई इसी हाईवे के बीच में अपना माफिया का मेंशन। और भाई देखते हैं, फ्रैंकलिन तो उसने किडनैप कर कर रखा ही है, एंड अब जो बोलेगा भाई करना ही पड़ेगा, जिस तरह से अपने भाई अपना प्रेसिडेंट को मारा। एंड चलकर देखते हैं भाई इस बार वो हमें क्या करने को बोलता है। और चलो भाई माफिया का मेंशन तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है ही। हाँ तो भाई चलो फाइनली हम अपने इस खटारा गाड़ी को भगाते भगाते पहुँचने वाले हैं भाई माफिया के मेंशन पर। तो यस भाई अपना माफिया का मेंशन सामने दिख रहा है, तो भाई यहाँ चुपचाप गाड़ी खड़ी कर देते हैं। तो यहाँ पर खड़ी कर देते हैं गाड़ी एंड चलते हैं अंदर। तो भाई सिक्योरिटी तो यहाँ पर है ही, तो चलते हैं अंदर। भाई इस बार सिक्योरिटी कम है भाई, कुछ गड़बड़ है क्या इस बार? भाई सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा कम दिख रही है, तो चलते हैं भाई। पिछली बार तो भाई सारे मतलब बंदूक थान के मेरे ऊपर खड़े थे। एंड चलते भाई अंदर। अरे भाई यहाँ तो गलत ही सीन हो गया भाई, फ्रैंकलिन को किसने मारा? भाई फ्रैंकलिन को किसने मारा भाई? इन्होंने फ्रैंकलिन को मार दिया भाई। माफिया किधर गया? माफिया किधर गया? माफिया किधर गया? माफिया ढूंढता भाई होगा गाड़ी में, उसका गाड़ी तो यही है भाई, उसका गाड़ी तो यही है। इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है भाई। ढूंढता हूँ माफिया को, मिला तो तब उसे बताता हूँ भाई। ऊपर चल, ऊपर चल, ऊपर चल, ऊपर चल, ऊपर चल, ऊपर चल, ऊपर चल। भाई अपना माफिया किधर गया भाई? इसकी गाड़ी तो यहीं पर है। चल 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 चल, और देखना है किधर है माफिया भाई। और इसकी सिक्योरिटी गार्ड, रुको भाई सब बताता हूँ मैं, इसके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट करूँगा। रुको भाई, रुको भाई, चलो ये ले बॉम्ब, तेरे घर ही फोड़ दूंगा भाई, ये ले भाई। चल बहुत बोल रहा था तू, चल भाई आज तो सबसे गिन गिन के बदला लूंगा। चलो तो भाई अब तो मेरे पास खोने के लिए कुछ है नहीं भाई। फ्रैंकलिन यार, मतलब फ्रैंकलिन को मारा किसने? मुझे समझ नहीं आ रहा। चलो भाई नीचे चलते, यहाँ तो मुझे कोई नहीं दिख रहा। आई थिंक हमारा माफिया भाई चला गया है, और भाई उसने बस हम सबको चकमा देने के लिए यहाँ पर गाड़ी अपना रखा है। तो भाई अपना फ्रैंकलिन का ये हाल किसने किया? मतलब भाई ये हाल किसने किया अपना फ्रैंकलिन का? भाई मतलब हालत ख़राब कर दी यार फ्रैंकलिन की। और भाई ये किया किसने? भाई अपना फ्रैंकलिन मरा भी है या फिर नहीं? भाई एक बार बोलता हूँ इसे, नहीं नहीं कुछ नहीं कर रहा भाई, आई थिंक मर गया है। एक बार एम्बुलेंस को बुला कर भाई चेक करता हूँ क्या कुछ है, पता चल जाएगा भाई मरा है कि नहीं। तो जल्दी से एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। एम्बुलेंस किधर गया भाई? एम्बुलेंस जल्दी से बुलाना है भाई, एम्बुलेंस को फ़ोन कर कर इमरजेंसी सर्विस। तो जल्दी से एम्बुलेंस को बुला लेते हैं भाई, उसके बाद चेक करेंगे कि हम फ्रैंकलिन बच सकता है या फिर नहीं। कितने भी पैसे लगे हम लगा देंगे भाई, जान बचानी है यहाँ पर। तो चलो भाई जल्दी से बुलाते हैं। चलो भाई आ रहे होंगे। एंड भाई अब हमारी हेल्प बस एक ही आदमी कर सकता है इसमें, और वो पुलिस नहीं है, क्योंकि भाई पुलिस को हमने प्रेसिडेंट को मारा, यानी कि हम पुलिस की हेल्प लेने नहीं जा सकते। और हमारा जो हेल्प कर सकता है वो है लेस्टर। अब आप सब यही सोच रहे हैं भाई लेस्टर है कौन? तो भाई लेस्टर भी एक काफ़ी मतलब क्या कह सकते हो मास्टर माइंड है, जो कि भाई हैकिंग वगैरह करते रहता है। एंड वो भाई माफिया का लोकेशन, रुक तो भाई तेरी तो रुक भाई तुक रुक भाई रुक, कहाँ गया मेरा गन? गन कहाँ गया? गन चल भाई ला। अरे चल 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 चल, आ जा भाई, बहुत अच्छी बहुत अच्छी बहुत अच्छी। एंड भाई अब वेट करते बस एम्बुलेंस के आने का, एम्बुलेंस आ जाएगा तो भाई मैं यहाँ से निकल लूँगा। और बस वेट कर रहा भाई एम्बुलेंस के आने का, एम्बुलेंस दिखा तो भाई मैं निकल जाऊँगा यहाँ से। और एम्बुलेंस बस क्योंकि भाई वेट कर लेते, हो सकता है कभी कभी एम्बुलेंस आता भी नहीं है तो मुझे फिर से बुलाना पड़ेगा। तो भाई देखना पड़ेगा, एम्बुलेंस तो अभी तक आया नहीं है, क्योंकि भाई ये एरिया काफ़ी ज़्यादा दूर हटकर है, यहाँ काफ़ी कम गाड़ी वाड़ी चलती है। तो देखते भाई अपना एम्बुलेंस आता है या फिर नहीं आएगा, जैसे आया भाई वैसे निकल लेंगे अपनी कार लेकर। हाँ तो भाई मुझे सायरन की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो देखते हैं। हाँ भाई पीछे से अपना एम्बुलेंस आ रहा है, तो हम निकल लेते हैं। आई थिंक भाई अब हमारा काम हो जाएगा, तो मैंने काफ़ी टाइम वेट किया। तो भाई अभी आया अपना एम्बुलेंस,
तो चलो भाई निकलते हैं, एम्बुलेंस रुक गया, मतलब वो फ्रैंकलिन को लेने जाएगा, तो अपना आप निकलते हैं भाई जल्दी से और लेस्टर के घर में। अब लेस्टर कौन है वो तो मैंने आप सबको बता ही दिया भाई, नहीं भाई हमें माफिया का कार्ड तो मिल गया बट भाई फ्रैंकलिन को हमने शायद से खो दिया है, बट अभी भी भाई कुछ चांस है बचने का क्योंकि भाई उसकी ज़्यादा खून वगैरह नहीं निकली है, तो हो सकता है बच जाए। तो देखो भाई क्या होता है, वैसे कोशिश तो मैं करूँगा भाई पूरी बचाने की भले पैसा कितना भी लग जाए। तो अभी मैं जाने वाला हूँ भाई लेस्टर के घर पर, और आप सबको बता दिया मैंने लेस्टर कौन है भाई, लेस्टर हमारे लिए लोकेशन पता करेगा उस माफिया की, और एक बार भाई उसका लोकेशन पता चल गया ना तो भाई अंडर वाटर माफिया को छोड़ूंगा, ना उसे छोड़ूंगा, ना उसके रिलेशन में जाता उसे किसी को छोड़ूंगा भाई। उसने फ्रैंकलिन को मार दिया, मतलब क्या बोल सकते हो, फ्रैंकलिन को उसने मार दिया, बट भाई फ्रैंकलिन की रिपोर्ट आनी बची है, तो देखो कुछ तो उम्मीद है भाई कि हो सकता है फ्रैंकलिन मरा ना हो, यानी कि उसके साथ भाई कुछ और इशू हुई हो। और आप सब बोलेंगे भाई तो इतना हड़बड़ क्यों करा, हड़बड़ इसलिए करा क्योंकि भाई अपना अब माफिया निकल जाएगा अपने लॉस सैंटोस से बाहर, जो कि मैं नहीं चाहता, और उससे और अंडरवाटर माफिया को दोनों को मैं मार कराऊंगा, और इस बार भाई रियल वाला को मारूंगा ये बात लगभग तय है, और फ्रैंकलिन का भाई बदला लेकर लाऊंगा। और उसने भाई एक तरह से काफी बड़ा धोखा दे दिया है क्योंकि उसने भाई अपना काम भी करवा लिया जो कि प्रेसिडेंट को मरवाने वाला था, एंड भाई उसने फ्रैंकलिन को भी मार दिया। अब तो भाई वो नहीं बचने वाला मेरे हाथों, कुछ भी हो जाए नहीं बचने वाला। अब रियल माफिया को ढूंढकर मारूंगा, इसके लिए मुझे जाना पड़ा अभी लेस्टर के पास, जैसा कि मैंने आप सबको बताया भाई लेस्टर कहीं ना कहीं से भाई उसका लोकेशन पता करके निकाल ही लेगा, क्योंकि भाई लेस्टर काफी ज्यादा क्या बोल सकते हैं आप मास्टरमाइंड है एक, और वो एक हैकर है एंड माइकल का एक पुराना दोस्त है। तो चलते हैं भाई उसके घर में एंड आप सबको मिलाता हूं कि आखिरकार लेस्टर है कौन, अगर आप सबने नहीं देखा है, और होप कि भाई वो हमारा लोकेशन पता कर दे, एंड अगर पता चला तो भाई हम चलेंगे जल्दी से वहां पर और देखते हैं भाई क्या होता है। और भाई लेस्टर का घर यहाँ से काफी ज्यादा बगल में, एंड होप कि भाई हमारा कुछ तो मदद कर दे भाई लेस्टर, क्योंकि उसी के भरोसे अब सारा कुछ है। पुलिस के पास मैं जा नहीं सकता क्योंकि भाई हमने प्रेसिडेंट को मारा, अभी भाई एक महीने तक तो मैं पुलिस से थोड़ा दूर ही रहता हूँ, क्योंकि अगर पकड़ा गया तो भाई डायरेक्ट जेल जाना पड़ेगा, और जो कि मैं चाहता नहीं हूँ। तो भाई इसी गली में अपना लेस्टर का घर, तो भाई यस भाई हम पहुँच चुके हैं अपने लेस्टर के घर पर, तो भाई इधर ही अपना लेस्टर का घर, तो जल्दी से भाई पार्क कर लेते हैं यहाँ पर अपनी गाड़ी को, तो रोक देते अपनी गाड़ी को और उतर के भाई जल्दी से कर देते अपनी गाड़ी को लॉक। और मुझे लग रहा है मैंने अपनी गाड़ी को हल्का सा पहले पार्क कर दिया, बट कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है, यहीं पर है अपना लेस्टर का घर। तो भाई चलो जल्दी से चलते हैं अंदर, तो भाई अपना लेस्टर किधर है भाई, जल्दी से निकल बाहर तुझे हेल्प की, ये तो रहा भाई अपना लेस्टर। तो भाई जल्दी से मैं इसे सारी थिंग बताता हूँ एंड बताता हूँ अभी कैसे हमारा भाई माफिया से शुरुआत है, कैसे उसे दुश्मनी हुआ, तो चलो भाई सर सुन जल्दी से। हाँ तो भाई मैंने लेस्टर को सारी थिंग बता दी एंड वो लग चुका है भाई लोकेशन पता करने में, एंड उसने बोला कि भाई वो 24 आवर्स के अंदर हमारा लोकेशन पता कर देगा, इसलिए मैं वेट करता हूँ। याद देखो भाई लेस्टर मतलब पूरा हैकिंग से जुड़ा हुआ सामान सब रखता है, यानी कि भाई काफ़ी ज़्यादा वो खतरनाक हैकर है, जो कि आप सब देख के समझ ही सकते हैं इसके रूम को। और भाई वेट करते हैं 24 घंटे बाद हमारा लोकेशन पता चल जाएगा। और भाई हॉस्पिटल से कॉल आया था, और मतलब हॉस्पिटल से कॉल आया था फ्रैंकलिन को लेकर, एंड भाई डॉक्टर ने हमें बुलाया हॉस्पिटल में, तो चलकर देखेंगे भाई आखिरकार क्या कुछ रिपोर्ट आए। बट आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, एंड आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आए तो गाइस वीडियो को जरूर से लाइक कर दो, एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर से कर दो। तो गाइस मिलता हूँ आप सबको अगले वीडियो में किसी और गेम प्ले के साथ।